है, जब तक तो आप रिवीजन ओके ठीक एक दफा ओवरव्यू कर ले, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताया, आपने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था जिसके अंदर ग्रेटर नंबर फाइंड करना था, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही कह रहा हूँ आप, मैंने आपसे कुछ पहले भी करवाए थे ना, तो ग्रेटर नंबर वाला आपने किया था, क्या ग्रेटर नंबर वाला नहीं किया? फंक्शन जी ये ठीक है, आई डोंट थिंक आपने किया है, क्योंकि एक बार चेक कर लेंगे। चले आप कर लें, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आपको दिया है या नहीं दिया। तो बिल्कुल आपको बेसिक से दे रहा हूँ ताकि फंक्शन की लॉजिक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या करना है, अपने एक ग्रीड का एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर जैसे ही आप अपना नेम इनपुट करेंगे वो आपको हेलो कर देगा, बस सिंपल सा है ये।
स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हेलो, यस कह रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाना है, यस ठीक है, जब उसको कॉल करेंगे ना तो उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं मतलब पैरामीटर, उसके अंदर आपने नेम इनपुट करना है। लेट सपोज आपने अपना फंक्शन कॉल किया, कैसे कॉल करते हैं तो पता है ना, उसके नेम से आपने लिखा ग्रीट, फिर जो ये जो होते हैं उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेम एज अ पैरामीटर, तो इसके ब्रैकेट के अंदर मतलब आपने क्या करना है, अपना नेम इनपुट करना है, ठीक है। लेट सपोज आप लिखेंगे मुबशर, ठीक है, जैसे ही आपने मुबशर लिखा और एंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट पे आपको क्या दिखा देगा, हेलो मुबशर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आपने इसको करना है अभी, करें। स्क्रीन शेयर कर दे मुझे ताकि मैं देख लूँ आप क्या कर रहे हैं। सारे कोड्स आप एक ही साथ रन कर रही हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ऊपर वाले का वो दिखा रहा है नॉट अ प्राइम, नाम कितनी दफा बोला है एक कोड एक फ्रेश, उस पर क्या करें। नहीं, यहाँ पे हेलो नहीं लिखना आपने, ये तो एक आपका वो होगा ना आर्ग्यूमेंट। लेकिन जो सरनेम वाला था उसमें हमने यहीं पे लगा था। वो वहां पे मैं सरनेम ऑलरेडी डिफाइन कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने नेम इनपुट करना है। सरनेम बेसिकली वहां पे मैं टू इनपुट्स ले रहा था ना, आपको जो इनपुट्स लेने होते हैं वो सिर्फ वो आप वहां पे लिखते हैं।
इसके ब्रैकेट्स में, इसके पैरामीटर में। ठीक है, गुड। ठीक है, अब मुबशिर भी इसे स्क्रीन पे करेंगे। यस ठीक है, अपना आप रिमूव कर दें।
ठीक है, इसको रन करें, इसका आंसर चेक करें क्या आ रहा है। आपने फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है, फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे। जो ग्रीड लिखा है ना, वहाँ पे बैक स्पेस दें, वहाँ से टैब रिमूव करें। ये सही लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स लगाएं वापसी वहाँ पर। जहाँ पे आपने ग्रीड लिखा है यहाँ से स्पेस रिमूव करें, उसको कोने तक लेके जाएं। सही, अब रन करें। ठीक है, वहां पे आपका नेम प्रिंट हो गया, स्पेस देंगे तो स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। स्पेस आप देंगे हेलो के एच के बाद। ठीक है, जहां आपने हेलो लिखा है उसके एच के बाद स्पेस दे दें। ठीक है, अपनी स्क्रीन स्टॉप करिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताऊँ एज इट इज आपने वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी एक कर ले जल्दी से जो कर सके। हाँ नहीं, आप कर लें। आपने जो अपना ये पूरा फोल्डर है जिसके अंदर आप ये पाइथन की फाइल सेव कर रहे हैं, वो आपने कहाँ सेव किया है? डायरेक्टरी में किया है या फिर आपने जो है डेस्कटॉप पे किया हुआ है? मतलब कह रहा हूँ, जो आपने ये अपना जहाँ पे आप अभी विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड लिख रहे थे, वो किसी ना किसी फाइल के अंदर सेव है। ठीक है, और वो फाइल किसी ना किसी फोल्डर के अंदर सेव होती है। ये मैंने स्टार्ट में आपको सिखाया था ना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ वो आपने कहाँ पर सेव कर रखी है? फोल्डर ही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये मेरा स्क्रीन शेयर है आपको, सही जी है। अब आपने यहाँ पे आना है, ये लिखा हुआ है ना एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपने अपना फोल्डर ओपन किया हुआ होगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखें आपके पास वो फोल्डर आ रहा है। यहाँ पे आपके सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, फाइल्स आ रही हैं, सॉरी। ठीक है, आपने अब करना क्या है, ये फाइल का जो आइकन बना हुआ है न्यू फाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे अपने अपने नाम की फाइल्स बना लें, मुबशर अपने लिए और हानिया अपने लिए, ठीक है, ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। ये इसी वजह से मैंने ये आपको पहले भी करवाया था, लेकिन आप लोगों ने सब मिक्सअप कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अपने नाम से बनाता हूँ उबैद, ठीक है, डॉट लिखने के बाद आपने इसकी एक्सटेंशन हम क्या डालते हैं? पाइथन की फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या डालते हैं? डॉट पाए, ठीक है, ऐसे डॉट पाए डालते हैं। देखें यहाँ पे ये पाइथन का सिंबल बना हुआ आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने डॉट पाए नहीं डालनी, यहाँ पे क्या डालनी है? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है? IPYNB, ठीक है, IPYNB। हेलो, आवाज आ रही है? जी यार, ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक्सटेंशन देने के बाद एंटर करेंगे तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब जब आप फाइल क्रिएट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फाइल ओपन कर देगा। अगर नहीं भी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर लेंगे। इस वाले आइकन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो पैलेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस तरीके से ये नज़र आ रहा है? ठीक है, अब देखें ये, इसको हम कहते हैं जुपिटर नोटबुक। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसके अंदर लेट से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, कोड, मार्कडाउन और रन ऑल। ठीक है, अब आप लोग जो कर रहे होते हैं ना, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल्स कोड रन कर रहे होते हैं और फिर बार बार उसको कमेंट करना पड़ता है, तो ये उस टाइप का है, उसके लिए है। मार्कडाउन का मतलब है यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ एड टू नंबर्स, ठीक है, अब मैंने लिख दिया एड टू नंबर्स, यही है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि मैं अब इसके नीचे एक कोड लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक टिक करके बना हुआ आ रहा है, जैसे मैं इसको टिक करूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कोड के लिए इसने मुझे एक अलग से जो है ना एरिया बता के दे दिया, डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जल्दी से एक लिख दूँ एन इक्वल टू, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने अपना जो कोड है ना वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको रन कैसे करेंगे, यहाँ पे एक रन का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे मेरे पास नीचे आ गया 6। ठीक है, इसी तरीके से मुझे लेट सपोज एक और कोड लिखना है और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कोड ना मैं कमेंट करूँ ना इसके अंदर चेंजेस करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर लेट सपोज मुझे उसके लिए हेडिंग बनानी है तो फिर से यहाँ मार्कडाउन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी हेडिंग लिख दूंगा, लेट से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई टू नंबर्स मैंने लिख दिया, अब इसके नीचे मुझे कोड भी लिखना होगा। अब चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोड का ऑप्शन, नहीं तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई टू नंबर्स के लिए जब मैं कोड लिखूंगा तो मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ नीचे वाला कोड रन करना है। ठीक है, अब ऊपर वाले कोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ नीचे वाला कोड रन कर दूंगा और इसका आंसर देखें 8 आ गया, 2 4s are 8। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है रन ऑल, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने रन ऑल पे क्लिक किया ना, तो ऊपर वाला अलग अपने लिए रन हो गया और नीचे वाला अलग अपने लिए। अभी देखिए दोनों की वैल्यू 6 और 8 है, यहाँ पे मैं लेट से दोनों की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 4, तो ऊपर वाले का आंसर 4 आना चाहिए और नीचे वाले में भी मैं 4 करूँ तो नीचे वाले का 6 आना चाहिए। अब देखिए मैं रन ऑल करता हूँ,
तो देखें रन ऑल से ऊपर वाला भी रन हो गया और नीचे वाला भी रन हो गया, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ अपना स्पेसिफिक कोड रन करना है तो मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नुपिटर जोड़ बुक फॉर पाइथन। अब इससे क्या होगा कि आप अपने कोड को चंक वाइज जो है रन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब ग्रेट। आप आपने फिर से कोई मार्कडाउन ऐड करना है, यहाँ पे मार्कडाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्कडाउन आ जाएगा, कुछ भी अपना एक्स वाई जी लिखे हैं यहाँ से टिक पे क्लिक करें वो ऐड हो जाएगा, फिर कोड लिखने के लिए यहाँ से करेंगे, ठीक है। लेट सपोज आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, इसको डिलीट कर सकते हैं। अब लेट सपोज आपने ये वाला कोड एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको डिलीट कर दें यहाँ से, और इसका मार्कडाउन जो लिखा हुआ है इसको भी डिलीट कर दें यहाँ, ठीक है। अब आपके पास ये विंडो ओपन हुई जब आपने एक्सटेंशन दी, हेलो। अच्छा सर, मुझे ये नहीं समझ आया कि डिलीट कैसे होता है। डिलीट ये रहा, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस कर्सर है ना, ये डिलीट ये लिखा हुआ भी आ रहा है, देखें डिलीट सेल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डिलीट हो गया। यहाँ से भी देखेंगे तो ये देखें डिलीट हो गया। फिर से ऐड करना है तो यहाँ से ऊपर टॉप पे आ रहा है, यहाँ से ऐड हो गया। कोड ऐड करना है, यहाँ से कोड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अपनी स्क्रीन के ऊपर करें आप लोग। हानिया किधर गई? अच्छा जी तो इसको आपने अपने पास बनाई है फाइल एक्सटेंशन, अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, वो मेरी शेयर थी तो नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अच्छा ये डायरेक्टली जो है हाँ कोड के लिए दिखा रहा था। आपने अगर पहले मार्कडाउन ऐड करना है तो आप मार्कडाउन पे क्लिक करके उस पर अपना कुछ भी सेंड जो है लिख सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह। अगर आपने टैक्स ऐड करना है तो आप मार्कडाउन के अंदर लिखेंगी, ठीक है। ये नीचे आ गया, अब ऊपर वाला जो आ रहा है ये कोड के लिए आ रहा है, इसको रिमूव कर दें वहाँ डिलीट वाले आइकन से, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने कोड को डिफाइन कर सकती हैं कि बेसिकली आपका कोड कर क्या रहा है, ठीक है। आई थिंक आपके पास ये जुपिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। रन करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिक्वायर इंस्टॉल इनेबल सजेस्टेड एक्सटेंशन पाइथन प्लस जुपिटर, ठीक है। हाँ इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ये इंस्टॉलिंग हो रही है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना जुपिटर की एक्सटेंशन, तो फिर आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने इसे स्क्रीन पे कुछ करना नहीं है वरना फिर इंस्टॉलेशन रुक जाएगी।
ठीक है, अलाउ एक्सेस कर दें। इंस्टॉल के ऊपर कर दें। फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो ये इस तरीके से कुछ लाइब्रेरीज और ये एक्सटेंशन होती हैं, इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, आप जो हैं जो सिंपल पाइथन पे करते हैं काम, वहाँ पे जाके आप दूसरा कोड कर लीजिए। ठीक क्या करूं? हाँ, ये वाला करें दोनों। सर, गूगल फोन ऐप पे काम नहीं कर सकते? मम्मा इस पर जो है ना, जब इस लैपटॉप पे काम करती थी तो ये सब चीजें उन्होंने इंस्टॉल नहीं की थी, गूगल को लैप पे करती थी। कौन से लैब पर करती थी? गूगल को लैप अच्छा, नहीं, इट्स अप टू यू, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो आप लोग अभी वीएस कोड से यूज्ड हुए हैं, तो आप इसी पे कर लीजिए। ठीक है, तो अगर डिफरेंट अवेलेबिलिटी होती है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी वीएस कोड यूज़ करते हैं, तो मैंने उसी में आपका बनवा दिया है। काम उसमें सेम ही होगा, कोड लिखना होगा। आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कभी फ्री टाइम में देखिएगा। ठीक है, अभी जो आप ये कर रहे हैं लिखेगा। वो हो जाएगा। अभी वो इंस्टॉल हो रहा है ना, तो वो इंस्टॉल में टाइम लगा रहा है, थोड़ी देर बाद जाके देखेगा उन सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगी, तो आप अपना कोड वहाँ पे रन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये प्रॉब्लम दी है, ये आपने करना है, फंक्शन बनाना है ऐड नंबर्स। ठीक है, वो टू नंबर्स जो है वो लेगा अपने पैरामीटर्स में। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से किस नाम से बनाना है, ऐड नंबर से। तो आप कॉल करेंगे ऐड नंबर्स। ठीक है, जब इसके यहाँ पैरामीटर ऑन करेंगे तो यहाँ पे दो हो गया। नंबर, 2,3। ठीक है, फिर जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो इसका सम प्रिंट कर देगा। सही है, कुछ कह रही हैं आप? हेलो, कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी हो हो गया? अच्छा ठीक है, दिखाएं मुझे, स्क्रीन शेयर करें।
ठीक है। सही। अच्छा वो चेक करें एक्सटेंशन वो इंस्टॉल हो गई। ठीक है, देखें वो उसका आउटपुट आ गया। अब आप कुछ और भी ऐड करके देख सकती हैं। वो कोड के ऊपर आपने लिख दिया बेसिकली। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कोड का पार्ट होगा ना उसके ऊपर ये रन वाला बटन आ रहा होगा, ठीक है, और जो मार्कडाउन होगा उसके ऊपर नहीं आ रहा होगा। वो नीचे चलेगी एक्चुअली थोड़ा। टाइम क्यों ले रहा है, ये तो नैनो सेकंड्स में हो जाता है। वो पॉज करें। अच्छा ऊपर वाला रन करके चेक करें, वो भी इतना टाइम ले रहा है। इसको ऐसा करें पॉज कर दें। रीस्टार्ट कर दें तो। ठीक है अब रन करके चेक करें। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, लेता तो नहीं है वैसे, आपके पास ले रहा है। इसको ऐसा करो कैंसिल ही कर दें। ठीक है अगर आपने ये चेक करें तो ऊपर वाले में जो आपने लिस्ट में दिए हैं ना वैल्यूज को चेक करें, उसको रन करके देखें उसमें भी क्या इतना टाइम ले रहा है ये।
ये लेता तो नहीं है, पता नहीं अब आपके सिस्टम में ये टाइम ले रहा है। खैर इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है आप अपना पीसी रिस्टार्ट करें तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बल्कि अभी मुबशर ने परफॉर्म नहीं करा है ना, यार मुबशर परफॉर्म करें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा है अपडेटिंग विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ऐड टू नंबर्स वाले मुबशर आपने परफॉर्म नहीं किया ना, आप कर लें, स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर करें, वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। ये हेलो मुबशर क्यों प्रिंट हो रहा है? वाह आपने सारी चीजें वैसे इतनी मैसी करके रखी हुई है। देखें अभी आप कौन सी लाइन पर हैं, 106, मतलब ऊपर इतने नंबर ऑफ कोड्स हैं। अगर आपको कभी रिवीजन करना होगा कैसे करेंगे आप? प्रॉपर फाइल आप लोग मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक मैंने स्टार्ट से आपको ये बात सिखा रहा हूँ। फिर आप ही लोगों का ये मसला होगा। अच्छा इवन और ऑड वाला तो हो गया था,
जी हो गया। अच्छा एक सिंपल सा है, मैं ये दे देता हूँ आप। स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। हमारे पास कुछ ही टाइम रह गया बस, अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट। करना क्या है आपने इसमें? क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड फाइंड लार्जेस्ट, ठीक है, लेट द थ्री नंबर एज पैरामीटर एंड रिटर्न द लार्जेस्ट ऑफ थ्री। इसके अंदर एक जरूरी नियम, पूरा कोड लिखिए, इसके अंदर एक लॉजिक जो बिल्ट इन है, बिल्ट इन फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। जी सर, कह रहा हूँ इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन भी होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा चलें वो अभी रहने दो, उसमें आपको मे भी टाइम लग जाए, आप लोगों को अभी टाइम कम है, तो ये छोटा सा ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। एक आपने फंक्शन लिखना है जिसका नाम होगा काउंट लेटर्स, दैट टेक अ वर्ड एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न द नंबर ऑफ लेटर इन दैट वर्ड, ठीक है। लेट सपोज आपने यहाँ लिखा है पाइथन, तो वो उसके कितने लेटर है इसके अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो प्रिंट कर दे 6, ठीक है, कि वो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके उसको प्रिंट कर दे। ये बहुत सिंपल सा है, दोनों ट्राई करें। अभी हमारे पास हैं 4 मिनट हैं, क्या करना है सर? जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। दरवाजे में खड़ी हो चुकी है, गलत बात नहीं होगी। स्क्रीन शेयर करें अपनी। कौन परफॉर्म कर रहा है अभी?
सर मैं ओके हो गया या अभी आपने और कुछ लिखना है कोड में? फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं आप। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो फंक्शन के बाहर कॉल करते हैं, आप ये फंक्शन के अंदर ही फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसको फंक्शन से बाहर लेकर आए। एक और बैक स्पेस दें। सही है। आपने यार रेंज गलत लिखा है, रेंज को रिमूव करें। रेंज बेसिकली हम जब देते हैं जब हम उसको रेंज बताते हैं, लेट्स से वो जैसे 2 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 10 तक, वो नंबर्स के लिए यूज होती है रेंज। ठीक है, ठीक है। और ये प्रिंट हो रहा है 13, और 13 क्यों प्रिंट हो रहा है? वो तो कोड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बेस ठीक है, आपने कोड अच्छा लिखा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि पाइथन अगर है तो उसके अंदर कितने लेटर्स हैं। इसने तो पाइथन को अलग अलग प्रिंट कर दिया ना, PIT इस तरीके से। सर मैं कल करें अगर आप कर सकती हैं तो।
ये प्रिंट कर रहा है 12 0 1 2 3 4 5। देखिए आपने सिंपली करना क्या है, जहाँ पे ठीक है आपने जो लिखी है 2 लाइन 6 और 7 पे, तो यहाँ जो 6 वाली लाइन है उसको आप पूरा रिमूव कर दें, जहाँ पे फॉर लूप नहीं लगेगा। ठीक है, वेल ट्राइड बोथ ऑफ यू, आई अप्रिशिएट। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया। अब प्रिंट के अंदर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्या करना है, लेंथ प्रिंट करना है। प्रिंट लेंथ, नो नो नो, किस तरीके से हम लेंथ प्रिंट करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे लेंथ। मैं आपसे कह रहा हूँ, चलें ऐसे करके देख लें, जैसे कि मैं आप करें जो कर रही हैं करें। ब्रैकेट के बाहर प्रिंट लिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका क्या प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया। ठीक है, और साथ में 12 भी प्रिंट हो रहा है। 12 क्यों प्रिंट हो रहा है, सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप जो भी वर्ड वहां पे एंटर करेंगे तो उसकी लेंथ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो काउंट कर रहा है कि नंबर ऑफ लेटर्स उसके अंदर कितने हैं। ठीक है, ओके ठीक है, वेल ट्राइड बोथ ऑफ यू। ठीक है, तो आज तक, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मुबशर आप भी ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।